टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हमने आपको एक खबर बताई थी रीति बंदर एक नंबर परिसर की, जहां खाड़ी में नहाने गए सागर आत्माराम गायकवाड़ 13 वर्षीय और सक्षम कुमार इंगले 12 वर्षीय डूब गए थे। ये घटना 18 अक्टूबर को हुई थी, मगर 7 दिन गुजर जाने के बाद भी इन दोनों लड़कों का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। स्थानीय समाज सेवक नीलेश पाटिल ने बताया कि दोनों बच्चे खाड़ी में डूब गए हैं और इन बच्चों के माँ बाप का काफ़ी रो रो कर बुरा हाल है। 2 से 3 नाव के सहारे अभी तक इन बच्चों की डेड बॉडी खाड़ी में तलाश की जा रही है। इन बच्चों को खाड़ी में डूबे हुए आज करीब 7 दिन गुजर गए हैं, मगर इनका कुछ पता नहीं चल रहा है। आपको बता दें, यहाँ तक कि खाड़ी के रास्ते ही ठाणे के बिटावा खाड़ी, कल्याण खाड़ी के तरफ भी इन दोनों लड़कों की तलाश में जो स्थानीय लोग हैं, इनकी 2 टीमें वहाँ पर तलाश कर रही हैं। और ऐसी जानकारी भी सामने आई कि कसेली में 2 डेड बॉडी मिलने की खबर नीलेश पाटिल को मिली थी, मगर जब इनकी टीम वहाँ पहुँची तो पता चला कि ज़्यादा पानी होने की वजह से दोनों डेड बॉडी आगे चली गई हैं। इस मामले में समाज सेवक नीलेश पाटिल ने और क्या जानकारी दी है वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन साथ ही समाज सेवक नीलेश पाटिल ने लोगों से ये भी निवेदन किया है कि खाड़ी में आपको अगर जो 2 बच्चे डूबे हैं इनकी डेड बॉडी अगर दिखाई दे तो इसकी सूचना आप पुलिस को तत्काल दें। नीलेश भाई, 2 बच्चे जो नहाने के लिए खाड़ी में आए थे 18 अक्टूबर को, तभी से वो लापता हैं और आज करीब 7 दिन गुजर गए हैं, अभी तक उनकी डेड बॉडी नहीं मिली है। और इस दौरान आप लोग भी कई जगह पर तलाश करने के लिए गए, आप लोगों की नाव बोट दमकल विभाग की टीम भी यहाँ से कल्याण और बिटावा तक गई तलाश करने के लिए, क्या बताएंगे इसके बारे में आप? जिस दिन ये घटना हुई उसके दूसरे दिन हमें मालूम गिरा कि लड़के लोग तैरने गए थे, उसके दूसरे दिन के बाद में ढूंढने का काम तो चालू है। फिर डिजास्टर वाली की टीम आई, फायर ब्रिगेड वाले आए, वो उनका हम लोग कंटिन्यू उनका फॉलोअप लेके हम लोग ढूंढने का काम ही कर रहे हैं, लेकिन आज 7वां दिन है। फिर भी हम लोग आज पिछले 2 दिन से हम लोग, हमारी एक टीम न्यू बॉम्बे साइड गई थी, घनसोली साइड गई थी ढूंढने के लिए, और एक कल एक दूसरी टीम हमारी कसेली साइड गई थी। वहाँ पे हम लोग जहाँ भी हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अपनी कोई बॉडी जा सकती है वैसे जगह पे हम लोग घुस रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं कि बॉडी अपने को मिले, बच्चे लोग मिले करके। और कल के बाद आज के दिन भी हम लोग कसेली साइड में फिर से हमें मालूम गिरा कि कौन सी एक डेड बॉडी वहाँ पे आई हुई है देखने के लिए, तो सुबह 10 बजे हम लोग वहाँ पे निकल गए थे, लेकिन मालूम गिरा कि वो डेड बॉडी वहाँ पे पानी जैसे भर गया था। कसेली में जो डेड बॉडी थी बताया जा रहा है कि वो 2 डेड बॉडी थी और कल ही शायद मिली थी, आप लोगों को आज सूचना दी गई, तो वहाँ पर आप लोग गए तो क्या जानकारी वहाँ पे जानकारी ये मिली कि वहाँ पे जो वहाँ पे नाव वाले है वहाँ पे, तो उनको मालूम किया कि वहाँ पे उन्होंने 2 डेड बॉडी देखी थी, लेकिन वो भी बच्चे जैसी बॉडी थी, लेकिन कंफर्म नहीं था कि वही है करके। इसके लिए हम लोग वहाँ पे जैसे हमें सुबह में मालूम गिरा, वहाँ पे गांव में चर्चा हुई, हमें फ़ोन आया वहाँ से गांव वालों की इधर से ऐसे ऐसे करके यहाँ पे एक बॉडी दिखी हुई थी, आप लोग यहाँ पे आके देख के जाओ। तो हम जैसे आप सुबह में हम लोग गए, हमारी टीम पूरी लेके हम लोग के दोस्त लोग हम लोग सब उनके फैमिली के लोग वहाँ पे जाने के लिए गए, वहाँ पे हर जगह पे ढूंढा, लेकिन वहाँ पे हमें बॉडी मिली नहीं कि जैसा फ्लो अभी उतर गया था वैसे चढ़ गया, अभी बॉडी शायद यहाँ पे बैठ के यहाँ पे आ सकती है। आज का दिन का हमारा पूरा ऐसे ही हो गया, अभी कल हम फिर से अभी नीलेश भाई आप लोग इधर साइड गए कसेली साइड में गए, लेकिन इस साइड दीवा वाले साइड में, इस साइड में क्या आप लोगों ने तलाश किया? जी, ये साइड में भी तलाश किया ना हम लोग ने, कहाँ तक यहाँ पर यहाँ से हम लोग ने कल्याण तक हम लोग गए। अभी हमने एक अभी एक दूसरी टीम आई है जो एक नाकवा बोलते हैं ना, जो ढूंढने का काम ही करते हैं, एक विटामा में रहते हैं वो सर, उनसे हमने बातचीत की तो बोले अपन कल वो तो कल नई मुंबई साइड गया था, अभी हम लोग सोच रहे कि कल कल्याण के आगे भी जरा वो टिटवाला साइड भी जाती है, कि पानी का कुछ बोल नहीं सकते कहाँ पे जा सकते कहाँ पे नहीं, कल सोच रहे कि वहाँ ये साइड हम लोग करने के लिए सोच रहे। अच्छा, दमकल विभाग की टीम भी आप लोग के साथ जाए? जी, दमकल साहब की अग्निशमन की टीम भी हमारे साथ में थी, लेकिन आज नहीं थी, अभी वो कल आज संडे इसके लिए कल शायद हमारे साथ में आ जाएगी टीम। जो तलाश कर रहे हैं वो लोग कौन, आप लोग के यहीं के स्थानीय रहने वाले लोग हैं, कितनी टीमें हैं टोटल? जी, हम लोग यहीं के स्थानीय ही लोग हैं यहाँ पे। कितनी टीम बनाकर आप लोग? जी, यहाँ पे नए बोल रहे कि 15 से 16 जन की टीम बन के चल रही है, हमारे 2 नाव है और हम लोग अलग से गाड़ी लेके चल रहे कि किनारे साइड से भी देखते देखते आ रहे कि कहाँ पे हमें मिल जाए करके बॉडी। सर, आपके माध्यम से मैं पब्लिक को और आवाम को भी एक करना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि जहाँ भी आपको कुछ भी एक
छोटे बच्चों की बॉडी कहाँ पे दिखे या कुछ मालूम जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस स्टेशन में बताओ या हमें 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 संपर्क करिए, आपसे संपर्क करिए कि जिससे जरिए हम लोग वहाँ पे जा सकते करके जल्दी जल्दी।